जो ये ट्विस्ट है आंदोलन का, इसको आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे? क्योंकि आप प्रखरता से इस बात को उठा रहे हैं कि भाई नहीं, किसान कानून अंततः किसानों का भला ही करेंगे। इस ट्विस्ट को कैसे देखेंगे जो नया ट्विस्ट आया है कि मोबाइल टावर तोड़ दो, इसका बहिष्कार करो, इसके साथ ये करो? देखिए, ऐसा है कि अगर आप प्रदर्शन क्षेत्र पे गए हो तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं, वहां पोस्टर लीफलेट बट रहे हैं जिन पे साफ साफ ये लिखा है लेफ्ट पार्टीज की तरफ से कि हमें कानून, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, मेरे को पत्रकारों ने वहां से भेजा है, क्या लिखा है इस पे मैं आपको पढ़ देता हूं। पढ़ दीजिए सर। किसान आंदोलन को पूंजीवाद विरोधी आंदोलन में तब्दील करो, ये वहां पोस्टर बिक रहे हैं, बट रहे हैं, मतलब त्रिपाल लगा लगा के लोग पोस्टर बांट रहे हैं। मुझे ये बात बताइए कि यह हमारे किसान नेताओं को ये दिख नहीं रहा है? जब एक पत्रकार को वहां ये पोस्टर दिख रहे हैं, बैनर दिख रहे हैं, इस तरह के लीफलेट बटते हुए दिख रहे हैं, हमारे किसान नेता ये इजाजत क्यों? इसका मतलब या तो इनका समर्थन है या ये जानबूझ के आंखें बंद किए बैठे हैं। कुछ तो कारण है जब आपको और मेरे को ये दिख सकता है, पत्रकारों को दिख सकते हैं इस तरह के लीफलेट, किसान नेताओं को क्यों नहीं दिख रहे? क्या एक्शन लिया इन्होंने? क्या इन्होंने इन लोगों के खिलाफ FIR करी कि ये देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं? किसान नेताओं ने क्यों FIR नहीं लॉन्च करी, मेरे को ये बताइए। अगर इनके घर पे, आप ही का सीधा सवाल, विजय जी आप बने रहिए स्क्रीन पर, मैं सीधे कृपाल सिंह जी के पास जाता हूं, जवाब दीजिए सर सरदारना जी की बात का। देखो चौरसिया साहब, पहले तो मैं आपको ये विनती करता हूं, मैंने जो पहले आपको उत्तर दिया, मैंने ध्यान में आया था हमारे 22 दिसंबर को टावर तोड़ने शुरू हुए थे, ये कोई मैनेज या ऑर्गेनाइज नहीं थे, हमने उसको रोकने की नियत से अखबार में दिया था। FIR क्यों नहीं करी जिन्होंने आपके बच्चों की दुरुपयोग किया, आपके आंदोलन का जिन्होंने दुरुपयोग किया, उसके खिलाफ आप लोगों ने FIR क्यों नहीं करी? मैं आपके सवाल का भी उत्तर देता हूं, आपके सवाल का उत्तर देता हूं, पहले मुझे अपनी बात करने दीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए। देखो मैं कह रहा हूं, हमने उसको तोड़ने से बचाने के लिए बच्चों की एजुकेशन के ध्यान में रखते हुए हमने अपील की थी, भाई सभी लोग जो बच्चों की पढ़ाई है उसको आप 15 दिन में दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा लीजिए, उसका मतलब था। ये बोल आपने के उल्टा दिखाया, 15 दिन के बाद उसको तोड़ेंगे। अपना तर्क कमजोर कर रहे हैं।